Dangal for Justice continues. Wrestlers are set to meet the government for round two of talks, and with this, they have put forth three new demands. While sticking to their demand of WFI chief and BJP MP Brijbhushan Sharan Singh's arrest, they're now seeking fair election of the federation body and that the sports of wrestling be cleaned up in India. Wrestlers and Thakur meet comes days after Home Minister Shah met with them in Delhi. Remember, this meeting is yet to happen with the sports minister. They will be discussing the sexual harassment charges against WFI chief and BJP member of parliament Brijbhushan. Meanwhile, a new twist has now emerged. India Today has accessed inside details of Delhi police's probe. Now, one of the complainants in the case, the minor, has now recorded a second statement. Not just that, sources say the POXO case against Bhushan may be dropped. Vinesh Hogart alleged molestation by Brijbhushan at his personal residence on October 16 and 17, 2017, a claim that has now been countered by Brijbhushan, who says he was not at his residence on the dates cited. जी लेकिन सर पिछली बार मीटिंग हुई थी उससे कुछ रास्ता निकला था कोई कमेंट नहीं है ठीक है कोई कमेंट नहीं अच्छा कोई कमेंट नहीं इस प्रकार का जी लेकिन सर पिछली बार मीटिंग हुई थी उससे कुछ रास्ता निकला था कोई कमेंट नहीं है ठीक है कोई कमेंट नहीं अच्छा इसका बिना बातचीत के जल्दी निकल सकता और तीन महीने चार महीने पहले जब पहली बार पहलवान धरने बैठे तभी भी खेल मंत्री जी ने दो दिन लगातार मीटिंग की थी उसके बाद कमेटी बनी थी उसके बाद तीन महीने बाद पहलवान फिर धरने पे जंतर मंदिर पे एक लगभग एक महीना ये धरना चला और फिर अमित शाह जी से जो कि हमारे गृह मंत्री जी उनसे मुलाकात के बाद आज आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मेरे को पता लगा कि खेल मंत्री ने पहलवानों को बुलाया है अच्छी बात है और बिना बातचीत के कोई रास्ता नहीं निकल सकता और मेरा मानना है कि ये जो आज या कल में जो पहलवान खेल मंत्री से मिलेंगे तो एक सकारात्मक चीजें निकल के आएंगी और जो भी दिक्कतें लगती है तो वो दूर होंगी बड़ी हिम्मत की बात है कि नौकरी करते हुए अपनी नौकरी दांव पर लगाकर इन्होंने आंदोलन किया आंदोलन उसमें नौकरी पर जाना कोई अपराध नहीं है नौकरी पर उनको जाना चाहिए उन्होंने हमेशा कहा कि हम मूवमेंट से पीछे नहीं होते हो सकता है कि वो एक जगह धरने पर ना बैठे उनपे उनकी हो सकता है कि पोस्टिंग उनकी यहाँ से वो दूसरी जगह कहीं करते धरने पे बैठे लोग बेटियां बैठी नहीं धरने पर बीजेपी के लोग सुनते रहे देखते रहे और केवल एक नहीं उदाहरण ये दो उदाहरण नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आप इस तरह के उदाहरण दे सकते हो जहां भेदभाव के साथ सरकार काम कर रही है My colleague Himanshu Mishra is now joining me live on this story. Himanshu, Delhi police ke investigation ki is waqt kya status hai? ये पल्मी बिल्कुल दो बार जो है ब्रिजभूषण चरण सिंह से बातचीत हो चुकी है जिन सात लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे ब्रिजभूषण पे जिस जिस डेट को जिस जिस इवेंट्स के लगाए थे उनको उस इवेंट पे जितने लोग मौजूद थे जो खिलाड़ी मौजूद थे या ऑफिशियल मौजूद थे उन सबके स्टेटमेंट्स भी उन आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ले चुकी है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो सांसद हैं इसको लेकर पार्टी के विदिन भी आवाज उठने लगी है मेनका गांधी प्रीतम मुंडे साथ ही साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र जो सांसद हैं हरियाणा से उन सबने कहा है कि लड़कियों के साथ न्याय होना चाहिए पहलवानों को इस तरीके से जो है वो धरने पर बैठते हैं तो बदनामी होती है दूसरी तरफ सरकार का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मंथ के तीसरे हफ्ते के अंदर जो है वो यूएस जाना है और उस दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी सरकार और पार्टी ये चाहती है कि ये जो आंदोलन है इसको किसी तरीके से खत्म कराया जाए जो भी बीच का रास्ता निकलता हो उसको लेकर और इसीलिए कल देर रात जो है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके कहा कि वो रेसलर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है यानी कि एक बार फिर से पहलवानों के साथ बातचीत होगी और जो बीच का रास्ता निकलेगा उसको सरकार लेके आगे बढ़ेगी सरकार ये चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन्वेस्टिगेशन चलने तक पहलवान जो है वो धरने से हट जाए धरना ना दे अपने काम पर लौट आए हैं वो अच्छी बात है ब्रिजभूषण चरण सिंह के खिलाफ अगर कोई भी एविडेंस मिलता है और उस जांच में दोषी पाए जाते हैं दिल्ली पुलिस की तो उनके
खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जो सजा होगी वो भी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ सरकार का ये मानना है, अंदर खाने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि अगर ये आंदोलन ज्यादा लंबा खिसका है तो इससे पॉलिटिकली नुकसान उनको जो है वो हो सकता है, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जाटों की जो संख्या है, अगर वो ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो उसका नुकसान हो सकता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है क्योंकि इस पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं इस पूरे प्रकरण में, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक, सेफ वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं डेंट पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस पूरी कवायद में है और सरकार कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द जो है वो निपटा दिया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। सरकार की तरफ से एडहॉक कमेटी पहले ही बना दी गई थी जो डे टू डे एक्टिविटी देख रही थी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसलिए अब ये माना जा रहा है कि अब क्योंकि चुनाव भी होने, दूसरी तरफ वर्ल्ड बॉडी ने ये कह दिया है, जो उन्होंने ये कहा कि 45 दिन में अगर आपने चुनाव नहीं कराए तो भारतीय कुश्ती संघ को जो है वो सस्पेंड कर देंगे, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को वो सस्पेंड कर दिया जाएगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। जी, पूरी तरह से प्रेशर बना हुआ है, देयर इज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट एज फार एज द रेसलर्स डिमांड्स आर कंसर्न्ड। हिमांशु, स्टे ऑन विद अस, दीज आर इन फैक्ट probe details that India Today has exclusively accessed so far in terms of the probe. The Delhi police is to submit a status report in one or two days' time. Minor records a second police statement. Remember, the minor complainant in the case has appeared before a judge allegedly and recorded a second statement, details of which we're yet to find out. But there is a likelihood that the POXO case against Brijbhushan may be withdrawn. Again, confirmation awaited on the same. Delhi police is to probe Vinesh Fogart's assault claims as well. Vinesh Fogart has claimed that Brijbhushan molested her on October 16 and 17 of 2017. These are the dates that she has given. Now, Brijbhushan claims that he wasn't at his Delhi residence on those dates. He was in Lucknow and Gonda, and hence it's impossible that he could have committed the act, the crime that Vinesh is alleging him of having committed.